हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार पंच गिरफ्तार, भेजा जेल। बचपन की सगाई नकार, शादी से इनकार पर समाज से बहिष्कार करते हुए धमकी और 16 लाख रुपए दंड वसूलने के मामले में पुलिस अधिकारी और जवानों पर कार्यवाही के बाद आखिरकार पुलिस ने गुरुवार को चार पंचों को गिरफ्तार किया। प्रमुख पंचों में शामिल जिला प्रमुख के पिता, बनार सरपंच आदि गायब होने से पकड़ में नहीं आ पाए। जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त SC ST सेल के नारायण सिंह ने बताया कि प्रकरण में गुजरावास गांव निवासी जेठाराम जाट, लालाराम जाट, नांदड़ा खुर्द निवासी ढोकल राम जाट और जाजीवाल खींचियान निवासी ओम प्रकाश जाट को सुबह पूछताछ के लिए घर से बुलाया गया। पूछताछ करके दोपहर बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें शाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस को आरोपियों से कोई बरामदगी नहीं करनी थी, ऐसे में चारों को चंद घंटे में ही कोर्ट में पेश कर दिया गया। गौरतलब है कि नांदड़ा कला में नैणों की थाणी निवासी CA छात्रा दिव्या चौधरी ने गत 28 अक्टूबर को डिगाड़ी चौकी में जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसे मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो अब खतरे से बाहर है। जब वो 3 साल की थी, तब उसके दादा ने उसकी शादी थोरिया की धाणी में गायत्री नगर निवासी बंशीलाल थोरी के पुत्र से करने की बात की थी। पिछले 7 साल से बंशीलाल अपने पुत्र की शादी दिव्या से करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन दिव्या ने इनकार कर दिया था। तब समाज के पंचों ने गत 27 अक्टूबर को दिव्या के परिवार पर 16,65,000 रुपए का दंड डाल दिया था। साथ ही 28 अक्टूबर को एक और पंच बुलाकर समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी गई थी। ACP सिंह का कहना है कि प्रकरण में जिला प्रमुख के पिता प्रभुराम धोचक, सरपंच गोपा राम, नारायण राम, हरका राम जाट आदि भी आरोपी हैं, जो अपने अपने घरों पर नहीं मिले। पंचों के मार्फत शादी का दबाव बनाने में लड़के के घर वाले भी आरोपी हैं। इनके खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों में शामिल हरका राम पुलिस निरीक्षक के चाचा हैं। CA छात्रा की तरफ से गत 12 सितंबर को बनार थाने में परिवाद दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही ना किए जाने को पुलिस कमिश्नर आलोक वरिष्ठ ने गंभीरता से लिया। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महेंद्र सिंह से जांच कराई। रिपोर्ट मिलने पर बुधवार रात बनार थाना अधिकारी नियाज मोहम्मद और डिगाड़ी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक देवकिशन को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि ASI मनीष सारन और हेड कांस्टेबल भवर लाल को निलंबित कर दिया गया था। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।